2014 में जो आयुष मंत्रालय का बजट था वो 691 करोड़ था, तब डिपार्टमेंट था, बाद में मिनिस्ट्री बनी, 2014 में बनी, और अभी इस वर्ष 2023 में हमारा बजट 3600 करोड़ है। तो 691 मतलब 700 करोड़ से लेकर के 3600 करोड़ मतलब 5 गुने से ज़्यादा। और पहले ये जो मजाक बनाते थे उसका कारण ये था कि मेन टीम गवर्नमेंट का सपोर्ट न हो तो आदमी एक प्रकार से ऑर्फन टाइप का होता है ना। अभी सपोर्ट इज़ देयर, इसके कारण बहुत सारे एविडेंसेस जनरेट हुए। 200 बेड का हॉस्पिटल है बट वहाँ हमारे 3 महीने की वेटिंग लिस्ट लगती है, वहाँ हमारे 2000 से ज़्यादा रोज़ पेशेंट होते हैं, ओपीडी में रोज 2000 से ज़्यादा पेशेंट होते हैं। इट इज़ एज गुड एज एनी बिग टर्शरी केयर, इवन बेटर देन एनी टर्शरी केयर हॉस्पिटल। अपना आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसकी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब 50 करोड़ परिवारों को मिल रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 में एक वर्ष में 8 करोड़ पेशेंट देखे, 8 करोड़ पेशेंट एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, एकदम गांव में छोटे छोटे सब सेंटर्स में इन्होंने देखे आयुष विधाओं से। तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, इसका मतलब ये, एंड इट इज़ फ्री, उनसे कुछ पैसा नहीं लिया गया। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस यू नो वेरी ग्रेट लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी विजन जो है उसके कारण हम सब लोग मिलकर उतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जहां भारत एक तरफ आज़ादी के अमृत महोत्सव का पहला वर्षगांठ मना रही है, वहीं दूसरे तरफ G20 का सम्मेलन भी कर रही है। ऐसे में हमारे देश की जो पहचान रही है आयुर्वेदा, क्या आयुर्वेदा हमारे देश की पहचान वापस लौटते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि कुछ सालों से आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी जो बाहर की कंपनी थी, विदेशी कंपनियाँ थी, वो हमारे देश में हावी हो गई थी, जिसकी वजह से आयुर्वेदा कंपनी डूबती हुई दिखाई दे रही थी और गायब होते से दिखाई दे रही थी। हमारे साथ में आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पिछले 2014 के बाद से क्या भारत में आयुर्वेदा को बढ़ावा मिला है, क्या कारगर साबित हो रही है। सर स्वागत है आपका। आपका ये स्टेटमेंट है कि आयुर्वेदा का डूब रहा था, वैसे इसे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि 1000 साल में इतने सारे विदेश के आक्रांत आए, उसके बाद भी ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद और योग और बाकी विधाएं अपने आप बची रही, तो उसमें कुछ होगा तभी तो बची रही है, इसलिए कोई डूब रहा है कुछ हो रहा है ऐसा कुछ नहीं था। बट इट इज़ डेफिनेटली ट्रू कि 2014 के बाद जो आयुर्वेद और बाकी जो विधाएं आयुष विधाएं उसको जो प्रश्रय मिला है, राजाश्रय मिला है, उसके कारण जो इसका विकास हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, न देखा गया न सुना गया उस तरीके का है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि 2014 में जो आयुष मंत्रालय का बजट था वो 691 करोड़ था, तब डिपार्टमेंट था, बाद में मिनिस्ट्री बनी, 2014 में बनी, और अभी इस वर्ष 2023 में हमारा बजट 3600 करोड़ है। तो 691 मतलब 700 करोड़ से लेकर के 3600 करोड़ मतलब 5 गुने से ज़्यादा। ऐसे बार इंडस्ट्री का साइज़ का हमने एक स्टडी कराया आउटसाइड एजेंसी से, मतलब RIS से स्टडी कराया, तो पता चला कि 2014 में हमारे पास जो उस समय की जस्ट CIA की स्टडी है, एक वेदन कोरिया की स्टडी है, उस स्टडी के अनुसार उस समय का जो इंडस्ट्री का साइज था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वो 21,000 करोड़ था, $3 बिलियन का था। 2020 में हमने फिर से इसको स्टडी कराया, 2021 में रिपोर्ट बार आई 20 के डाटा के बेस पर, तो 2020 में वो सेक्टर साइज $18 बिलियन हो गई, $3 बिलियन से $18 बिलियन, तो 6 गुना हो गई। और अभी एज पर द प्रोजेक्शन 2023 में वो 8 गुना हो गई, तो अभी $23 बिलियन है। तो $3 बिलियन से $23 बिलियन होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, और इट शोकेसेस कि आप ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये रियल टाइम प्रोजेक्शंस हैं, उससे बिजनेस कितना बड़ा है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, कोविड में हमने एक स्टडी कराया था, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ आयुष मोडालिटीज़ ड्यूरिंग कोविड, आयुष इंटरवेंशन, तो उस स्टडी को हमने 1,45,00,000 रिस्पोंडेंट्स के बेसिस पर, 1% से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स देश भर के, उसके बेसिस पर हमने देखा, तो हमें ये जानकारी हुई कि 89% इंडियन पॉपुलेशन ने, 89% लोगों ने कुछ ना कुछ आयुष विधा का उपयोग किया कोविड के समय। तो ये बताता है कि देर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर करंट अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेद एंड अदर साइंसेस, एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड देम सॉल्यूशंस एंड स्केल इट अप। तो ये जो इवेंट है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, जहाँ आप और मैं बैठे हैं, ये भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, और इसका जो एज ए को ब्रांडेड इवेंट है G20 की, आयुष मंत्रालय भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये को ब्रांडेड इवेंट का जो थीम है, जो जिसको फिक्की ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ की जब बात करें, अभी आपने इसके इनोग्रेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन हेल्थ
तभी अचीव हो सकती है कि हम जब इस डेफिनेशन से बाहर आए कि रोग, यदि रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो ही मात्र डेफिनेशन ठीक नहीं है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर भी होना चाहिए। वेलनेस में आप जब तक प्रमोशन ऑफ हेल्थ नहीं सोचोगे तब तक वेलनेस अचीव नहीं होती। उसके लिए आयुर्वेद और योग ये सब मिल करके जब इंटीग्रेटिव केयर के रूप में हम मॉडल प्रस्तुत करेंगे, तो भारत के पास एक विशेष ये है कि आप यहाँ पर कोई बाहर से मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए आता है तो उनके पास ऑप्शन है न केवल हाई एंड मेडिकल केयर बल्कि ट्रेडिशनल मेडिसिन केयर एंड इंटीग्रेटिव केयर। ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल अभी इंटीग्रेटिव केयर ऑफर कर रहे हैं कि जैसे कोई सर्जरी हुई, ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद उनको बहुत दिनों तक रिहेबिलिटेशन के लिए रुकना पड़ता है, तो रिहेबिलिटेशन में उनको योग कराएं, कुछ आयुर्वेद का चिकित्सा कराएं, दैट मॉडल इज ऑल्सो इवॉल्विंग। ऐसे बहुत सारे नए नए एविडेंस बेस्ड मॉडल जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, इसके कारण सर्विस सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से हमारे क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अभी जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करी, वी आर ऑल्सो यू नो इन टू दी स्टडी ऑन सेक्टर साइज ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब चिकित्सा वगैरह, योग वगैरह। तो हमें पता चला कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की साइज़ तो 150,000 करोड़ है और इसकी साइज़ 160,000 करोड़ है, मतलब इट इज़ बिगर देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो टोटल सेक्टर साइज़ इज़ मोर देन 3,00,000 करोड़ रुपी। तो ये बहुत छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, मतलब वी आर इवॉल्विंग एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। क्योंकि इतना ज़्यादा हैंड होल्डिंग जो हुआ है, इतना फैसिलिटेशन टू इंडस्ट्री, हमने जैसे आयुष एक्सिल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल बनी, हमारे सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, अभी माने प्रधानमंत्री जी ने तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, नेशनल आयुष मिशन में हमें इस वर्ष 1200 करोड़ का एलोकेशन हुआ। सो देर आर सो मेनी सच फैसिलिटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वी आर हैप्पी कि हम हमारी मिनिस्ट्री में अभी हमारे माननीय मंत्री जी है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे, और हमारे राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा जी। सो यू कैन सी दैट पहले आयुष मंत्रालय छोटी सी मिनिस्ट्री माना जाता था, नाउ वी हैव गॉट कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर। इट शोकेसेस कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस मिनिस्ट्री इज, हाउ मच इम्पोर्टेंस इज गिवन टू दिस मिनिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हमारी साइनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय हर 2 महीने में सब मिलते हैं, सभी मंत्री, सभी सचिव और पूरी टीम बैठती है, आपस में बैठ करके बात करते हैं कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं इंटीग्रेटिव केयर को, एंड दैट इज़ दी USP कि इतना सब जो सामंजस्य है मिलके काम कर रहे हैं, इसके कारण काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर मेरा सवाल अगला सवाल ये है कि इसके पहले हम लोगों से बात करते थे तो लोग आयुर्वेदा को लेकर इतना सीरियस नहीं होते थे, कहीं ना कहीं लोग मजाक बनाते थे कि क्या आयुर्वेदा वाकई में जो एलोपैथिक है उसको क्या पछाड़ पाएगी या फिर उनको उनके उसके तहत क्या इलाज कर पाएगी। लेकिन कोरोना में देखा आपने किस तरीके से लोगों का हेल्प भी किया, लोगों का मतलब मेडिसिन के तौर पर बहुत आगे भी बढ़ी है, तो उसके बाद से क्या लगता है आपको कि इसको दुनिया भर के हर कंट्री में लोग अपना रहे हैं, लेके जाने में क्या सरकार कामयाब हो रही है या फिर कोशिश कर रही है? देखिए पहली बात तो ये कि आयुर्वेद और एलोपैथी एक कोई झगड़ा नहीं है, हम सब मिलकर के स्वास्थ्य के लिए समर्पित हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है किसी भी विधा से होता है तो वो चिकित्सा और स्वास्थ्य ये इम्पोर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ पूरी सरकार चल रही है, उसके कारण नए नए काम हो रहे हैं। और पहले ये जो मजाक बनाते थे उसका कारण ये था कि मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट का सपोर्ट न हो तो आदमी एक प्रकार से ऑर्फन टाइप का होता है ना, अभी सपोर्ट इज़ देयर, इसके कारण बहुत सारे एविडेंसेस जनरेट हुए। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा एक आयुष रिसर्च पोर्टल है, आप गूगल पर देखिएगा, दिस पोर्टल वी हैव पोस्टेड अराउंड 40,000 पब्लिकेशंस अबाउट आयुष, 40,000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए जो वहाँ हमने पोस्ट किए हैं। ऐसे इतने सारे एविडेंसेस जनरेट हुए तो अब वो क्वेश्चन मार्क लगाते थे वो बात पुरानी हो गई, बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस आर एविडेंस बेस्ड, है ना। और हमारे इंस्टीट्यूट्स देखिए, हमारा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, ओलिडे इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कभी जाके देखिए, 200 बेड का हॉस्पिटल है बट वहाँ हमारे 3 महीने की वेटिंग लिस्ट लगती है, वहाँ हमारे 2000 से ज़्यादा रोज पेशेंट होते हैं, OPD में रोज 2000 से ज़्यादा पेशेंट होते हैं। इट इज़ एज गुड एज एनी बिग टर्शियरी केयर, इवन बेटर देन एनी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। तो ये जो मॉडल्स है ना ये स्केलेबल है, और स्केलेबल होने से दुनिया भर में इसको हम प्रस्तापित कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास हमारे इस एडवांटेज हेल्थ केयर में कजाकिस्तान के डेलीगेशन आया, ईरान के डेलीगेशन आए, मिलने आए, हमने कहा कि आप हमारा काम देखिए और अपने देश में कैसे इसको सर्विस कर सकते हैं, दे आर ईगर टू नो कि इंटीग्रेटिव हेल्थ का मॉडल कैसा होना चाहिए, तो मॉडल वी आर प्रोवाइडिंग, है ना। ऐसे बहुत सारे नए नए काम हो रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस यू नो वेरी ग्रेट लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी विज़न
जो है उसके कारण हम सब लोग मिलकर उतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। यही 2014 के पहले पूछूं मैं तो, 2014 के पहले क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्यों मतलब कि लोगों के जहन तक, लोगों के विचार में आयुर्वेदा नहीं आ पा रहा था? मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ मेन स्ट्रीम में, लेकिन 2014 के बाद मैं इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि 2014 के बाद एक प्रकार से मॉडल प्रस्थापित हुआ कि ट्रेडिशनल मेडिसिन 5000 वर्ष से प्रैक्टिस में है, तो उसको यदि हमने हैंड होल्ड किया, उसको राज्यश्रय दिया, तो उसमें विज्ञान है और वो अपने आप को प्रस्थापित कर सकता है, ऐसा एक प्रमाण मिला और वो हुआ इन ऑल पर्सपेक्टिव्स, हुआ रिसर्च पब्लिकेशंस में, हुआ एविडेंस जनरेशन में, हुआ पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में, हुआ सेक्टर्स इंडस्ट्री साइज में, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, सर्विस इंडस्ट्री में हुआ, एजुकेशन में हुआ, एवरीवेयर देर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हैंड होल्डिंग से, सरकार के डायरेक्ट सपोर्ट से हुआ है, ऐसा मेरा कहना है। सर, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है इस समय, जिसको मोदी जी खूब प्रमोट करते हैं और एक तरफ आयुर्वेदा को भी प्रमोट करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए क्या आयुर्वेदा, आयुष मंत्रालय क्या क्या करने कोशिश कर रही है, फिर क्या कर रही है? देखिए, वी आर दी पार्ट ऑफ एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट है हम, और हम साथ में आयुष रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का हम डिजिटल सॉल्यूशंस निकालने में लगे हुए हैं। वी हैव क्रिएटेड मोर देन 22 सॉल्यूशंस इन लास्ट 5 years, 22 एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस एंड ऑल दोस थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड। वी हैव कॉल्ड इट एज ए आयुष ग्रिड। आयुष ग्रिड मतलब आयुष का एक आईटी बैकबोन, और उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे हमने एक अभी आयुष का हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया, इट्स लार्जली रेडी एंड लॉन्च्ड। तो वो क्या है कि वो आउटकम पैरामीटर को भी एसेस करते हैं, और आयुष क्या है और एबीडीएम कंप्लायंट है, तो वहाँ जिनके पास जो एबीडीएम के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, वो उनको हमारा सॉफ्टवेयर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी है, ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, WHO के साथ मिलकर के काम करते हैं, ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन एंड WHO का एक AI फॉर हेल्थ का एक वर्किंग ग्रुप है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ। तो उसमें भारत सरकार के प्रयत्न से AI इन ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक वर्किंग ग्रुप बनाए, एक टॉकिंग ग्रुप बनाए, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इज लीडिंग दैट पर्टिकुलर एफर्ट। तो हम अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन में AI की बात कर रहे हैं, अब तो डिजिटल सॉल्यूशंस की बात करें, उससे हम आगे बढ़ गए हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एग्जीबिशन में, एक तरफ जहाँ आयुष मंत्रालय आयुष आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं चारों तरफ देख रहा हूँ जो महंगी महंगी अस्पतालें हैं, जो येलोपैथिक मेडिसिन हो गए, जो भी, सबको प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे किसी को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो आयुष, जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा क्या गरीब लोगों तक पहुँच पा रहा है वाकई में? क्योंकि उनके लिए अगर कुछ कम पैसे में इलाज उनको मिल जा रहा है तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। देखिए, ये टर्शरी केयर के मॉडल्स का हॉस्पिटल के, जहाँ पर अभी जो मेडिकल वैल्यू का शोकेस है, ये मेडिकल वैल्यू शोकेस में बड़े बड़े हॉस्पिटल आएंगे ही, नॉर्मल है, एंड दे आर दी प्रोवाइडर्स, दे आर अर्निंग मनी फॉर अवर कंट्री, और उसमें उनका भी स्वागत है क्योंकि वो दुनिया भर से लोगों को यहाँ बुला करके उनको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे रहे हैं। तो और इसमें ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स भी है जो इंटीग्रेटिव केयर भी चलाते हैं, उनके वहाँ आयुर्वेद भी है, योग भी है, बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन भी है। तो दिस इज़ ए वन ऑफ द मॉडल फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। तो ये जो हम जहाँ बैठे हैं, ये एक्सपो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, तो दुनिया भर से इसीलिए 73 कंट्री से लोग आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लास्ट माइल डिलीवरी इसमें नहीं हो रही है, तो योर इंटरप्रिटेशन इज नॉट राइट। अपना आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार की है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसकी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब 50 करोड़ परिवारों को मिल रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर फिर वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो 1,58,000, इसमें 12,500 भारत सरकार, हमारा आयुष मंत्रालय का है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आयुष मंत्रालय का 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में से अभी 7,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं। हम 31 दिसंबर 2023 तक में हमें पूरा ऑपरेशन करेंगे। 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 में, एक वर्ष में 8 करोड़ पेशेंट देखे, 8 करोड़ पेशेंट एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, एकदम गांव में छोटे छोटे सब सेंटर्स में इन्होंने देखे आयुष विधाओं से। तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, इसका मतलब ये, एंड इट इज़ फ्री, उनसे कुछ पैसा नहीं लिया गया। तो लास्ट माइल डिलीवरी इज ऑल्सो देयर इन द माइंड्स एंड इन द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए शोकेस है, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो रही है, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ में राजेश जी जुड़े हुए थे, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, मैं सुमित तिवारी, दिल्ली।